हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ एक फ्राई राइस। और कैसे बनता है, इसमें क्या क्या पड़ता है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है राइस, मैं कुक करके रखी हूँ। फ्राई राइस बनाने से पहले जब राइस कुक हो जाता है, थोड़ा गर्म रहता है, तभी इसको निकाल के अलग कर लेना चाहिए, तो राइस स्टिकी नहीं होता है। और ये है वेजिटेबल, वेजिटेबल आपका अपना चॉइस है। मैं आज डाल रही हूँ ये है कैबेज, पत्ता गोभी, कैरेट, गाजर, ग्रीन कैप्सिकम, शिमला मिर्च, और ये है फ्रोजन ग्रीन पीस और स्वीट कॉर्न। और ये है मीडियम साइज का अनियन, चिल्ली, गार्लिक, कोरिएंडर लीफ, स्प्रिंग अनियन, ग्रीन अनियन, इसको मैं ऊपर से डालूंगी फ्राई राइस बनने के बाद। ये है एक, टू एग्स, दो अंडे, और ये है सॉल्ट, ये अपने टेस्ट के ऊपर है। ये है ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून से भी और कम है। ये है चिल्ली सॉस, 1 टेबल स्पून। ये है ऑयल, आज मैं ओलिव ऑयल यूज कर रही हूँ, ऑयल आपका अपना चॉइस है। तो चलिए दिखाती हूँ कैसे बनता है। ओके, तो मैं फ्राई राइस बनाना शुरू कर रही हूँ, उसके लिए मैं फायर ऑन कर रही हूँ। फायर हाई मीडियम पे चाहिए, बहुत स्लो नहीं चाहिए। पैन गरम हो रहा है, अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी। ओके, अब मैं ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल मैं 2-3 टेबल स्पून डाल रही हूँ इसमें, 2-3 टेबल स्पून। ओके, अब तेल गरम हो गया है, ऑयल हॉट हो गया, मैं इसमें गार्लिक डाल रही हूँ। ओके, अनियन और चिल्ली, और फायर बहुत स्लो नहीं चाहिए फ्राई राइस बनाने के लिए। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब मैं इसमें वेजिटेबल डालूंगी। जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा सुनहरा, तब मैं इसमें वेजिटेबल डालूंगी। ओके, अब देखिए अनियन, गार्लिक सब गोल्डन ब्राउन हो गया है, मैं इसमें वेजिटेबल डालने जा रही हूँ, सब्जी सब। पहले मैं कैरेट डाल रही हूँ। कैबेज, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, ग्रीन कैप्सिकम, ग्रीन पीस, स्वीट कॉर्न। ओके, अब देखिए वेजिटेबल कुक हो गया है, सब्जी सब पक गया है। अब वेजिटेबल को बहुत ज़्यादा नहीं कुक करना चाहिए, उसका सब बैटमिन ख़त्म हो जाता है। ये देखिए
दो अंडे जो मैं रखी थी इसको मैं फिर केस में डाल रही हूँ। ओके, मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। एग और वेजिटेबल, अंडा और सारी सब्जियाँ। अब मैं इसमें राइस डालने जा रही हूँ। एग को बहुत ज़्यादा नहीं कुक करना है अंडे को। ये देखिए, अब मैं राइस डाल रही हूँ। और फायर थोड़ा स्लो कर दे रही हूँ। अब सारा मिक्स करना है। अब ये देखिए, राइस और एक वेजिटेबल सब ठीक से मिक्स हो गया। मैं इसमें सॉल्ट डालूंगी, 1 टीस्पून है। सॉल्ट आपके टेस्ट के ऊपर है, कोई कम कोई ज़्यादा खाता है। और फ्राई बहुत स्लो नहीं होना चाहिए फ्राई राइस बनाने के लिए। ओके, अब मैं ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, काली मिर्च, ये 1/2 टीस्पून से भी और कम है। और ये मैं चिल्ली सॉस डाल रही हूँ इसके अंदर। सारा ठीक से मिक्स करना है। ये देखिए, सब ठीक से मिक्स हो गया है। मैं इसमें धनिया की पत्ती डाल रही हूँ, थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन, ग्रीन अनियन, और सब मिक्स करके मैं फायर ऑफ कर रही हूँ। ये देखिए, सब ठीक से मिक्स हो गया, फ्राई राइस बनके रेडी है। ओके, अब मैं बनाने जा रही हूँ एग योक। चलिए दिखाती हूँ ये कैसे बनता है। पैन हॉट हो रहा है, अब मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। ये देखिए, पैन पहले से गर्म है। ये है अंडा, एक वन पिंच में से और कम मैं इसमें सॉल्ट नमक डाल रही हूँ। थोड़ा सा ब्लैक पेपर, काली मिर्च। ओके, तो अब देखिए, अब ये एक योग बन चुका है। मैं आपको ऐसे करके, इसके लिए बहुत केयरफुल होना चाहिए। ये देखिए, फायर मैं ऑफ कर रही हूँ। अब देखिए, एक फ्राई राइस बनके रेडी है। आई होप ये फ्राई राइस आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।